समाधान यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 जनवरी को दरभंगा में ही घोषणा कर दिया, पत्रकारों को बता दिया कि एम्स डीएमसीएच कैंपस में नहीं बनेगा, उसके लिए विकल्प तलाशा जा रहा। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में यह एक बहुत बड़ा गुस्सा आने लगा कि आखिर एम्स जो बिहार में लाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, वो क्यों वहीं नहीं बन रहा है, इसकी वजह क्या है, जिसको लेकर के आज नाका नंबर 6 पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में, पूर्व विधायक हायाघाट के अमरनाथ गामी के नेतृत्व में, बबलू पंजियार और कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने में इस पुतला दहन का कार्यक्रम। दरभंगा ही आक्रोशित नहीं है, दरभंगा के साथ साथ पूरा उत्तर बिहार आक्रोशित है, क्योंकि ये बात नीतीश कुमार शायद भूल चुके हैं कि इस एम्स को देने वाले केंद्र सरकार के द्वारा जब वो एनडीए के साथ गठबंधन में थे तब उनको एम्स दिया गया था, शायद वो इस बात को भूल चुके हैं। अब उन्होंने पल्ला बदलने के साथ साथ उन्होंने जो उत्तर बिहार की जनता के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, व्यापारी वर्ग के जो लोग आते हैं, जिनके अंदर में गुस्सा था कि व्यापारी वर्ग के अगर मान लीजिए हमारे दरभंगा में एम्स बनता है तो वो हर चीज़ में संगठन के लिए, अपने जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उन सबों के लिए एक उत्साह का माहौल था कि हमारे दरभंगा में एम्स बन रहा है, वो भी एम्स ऐसा बन रहा है जो पटना उसकी तुलना में छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आज नीतीश कुमार पलटी मारते ही देख लीजिए उन्होंने क्या किया, सारे उत्तर बिहार की जनताओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि एम्स डीएमसीएच के समीकरण के पास जो बनने वाला था, जहां जमीन अतिक्रमण हो चुका था, नापी हो चुकी थी, मिट्टी समीकरण हो चुका था, एम्स के डायरेक्टर बहाल हो गए थे, जैसे कि हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा, ये सारे भी चीज़ में जो पैसे लागत हुए, क्या नीतीश कुमार के अपने जेब से पैसे लगे, उन्होंने सारे व्यापारी वर्ग की और जितनी भी जनता का पैसा था वो पैसा उसमें लगा था उत्साह के रूप में। लेकिन आज उन्होंने खिलवाड़ कर दिया कि उन्होंने आज बोला है कि नहीं, स्थानांतरण करेंगे, जगह में बदलाव करेंगे। भाई आप कैसे जगह में बदलाव कर सकते हैं, आप उस वक्त क्यों नहीं जगह में बदलाव किए जब हमारे साथ एनडीए में थे, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला। आज आप कठपुतली बनकर जो बैठे हुए हैं, जो आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, ये मनमानी दरभंगा क्या पूरे बिहार के साथ पूरा उत्तर बिहार आपको इस बार जो आपको सबक सिखाएगी, हमारा जो एम्स दरभंगा में बनने वाला था, जो स्थान था उसी स्थान पर बनेगा, इसके लिए केंद्र से लेके पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का पुतला दहन होगा और हर चौक चौराहे पे उनके खिलाफ जो नारेबाजी लगेगी उसका जवाब देते देते नीतीश कुमार जी थक जाएंगे, वो खुद चले जाएंगे अपने बिहार की सत्ता को छोड़ के। अंकुर गुप्ता जी, डीएमसीएच के तमाम डॉक्टर खुशी की लहर है, वो कहते हैं कि डीएमसीएच में अगर एम्स बन जाता तो डीएमसीएच का अस्तित्व ही खत्म है, क्योंकि 20 से 15 एकड़ जमीन बच जाती जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए कतई किसी भी मायने पे नहीं रहता है। डॉक्टर लोग की खुशी है कि नहीं है ये तो हमारे नीतीश बाबू ही बताएंगे, क्योंकि चुनाव 2024 का वो जो सपना देख रहे प्रधानमंत्री का, हो सकता है कि पूरे डॉक्टर लोग के खजाने से पैसे भर के वो हमारे नीतीश क्या कहते हैं प्रदेश के सोचे प्रधानमंत्री जी के कहें कम से कम 10वां स्थान पे भी पहुंच जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। शायद वही सपना वो रात के सोने के टाइम में देखते हैं, उठने से पहले सोचते हैं मेरा सपना पूरा हो गया, मैं प्रधानमंत्री बन चुका। वो नीतीश कुमार जी कुछ अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी के चार पहियों के लिए वो कुछ भी कर सकते, ही वॉज टू डू एनीथिंग फॉर ऑन सेफ चेयर। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, अभी परिस्थिति वो देख रहे हैं कि परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए वो रिमोट किसी और को दे के खुद कठपुतली बने हुए हैं। आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि डीएमसीएच में जब एम्स बनने जा रहा था उस समय बहुत सारे अतिक्रमणकारियों को हटाया गया, तो लेकिन बाद में पता चला कि और भी बहुत सारे बड़े बड़े अतिक्रमणकारी हैं, 227 एकड़ में है, क्या उनको बचाया भी जा रहा है इस एम्स को हटाने के बाद? देखिए, एम्स को हटाने के लिए तो किसी के ऊपर में कोई भी सुरक्षा कवच का काम नहीं किया जा रहा है। एम्स जो दरभंगा में बनने वाला है, आप लोग से ही हम पूछना चाहते हैं कि इससे बड़ा सौगात हमारे दरभंगा मिथिलांचल के लिए क्या होगा, कि मिथिलांचल में वो भी मिथिला की पावन धरती, हृदयीय स्थल धरती, जहाँ से लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे, वहाँ एक एम्स बन रहा है, इससे खुशी की बड़ी लहर क्या होगी। उसमें रुकावट बनने के लिए जो भी आएंगे उनको किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अभी विपक्ष में हैं तो भी हम खिलाफ करेंगे, हम जब सत्ता में थे तो भी हम उसका खिलाफ कर रहे थे। दरभंगा को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सौगात मिला था 15-16 में, अन्य स्थान पर एम्स बनकर तैयार हो गया, आज दरभंगा का एम्स राजनीतिक विरोध के कारण निर्माण का शिलान्यास भी नहीं हुआ। आप जानते हो कि डीएमसीएच में अपग्रेड करने के लिए एम्स को दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया डीएमसीएच भी रहा, एम्स भी बने, उसके बाद
अतिरिक्त भूमि में एम्स निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी कुछ दिनों पहले राज्य की सरकार, जैसे ही सरकार बदली, उन्होंने एम्स यहाँ नहीं बने उसका निर्णय ले लिया। निश्चित रूप से मिथिलांचल के लिए ये एम्स जो पटना का एम्स है उससे बड़ा एम्स बनने वाला था और राजनीति का भेद चढ़ गया दरभंगा का। वो नहीं चाहता है कि 2014 से 24 से पहले दरभंगा में एम्स का निर्माण हो। वो जानता है एम्स अगर बनेगा तो दरभंगा में बनेगा, लेकिन विलम्ब हो मिथिलांचल की जनता को एम्स का लाभ विलम्ब से मिले उसका श्रेय कहीं ना मोदी जी को मिल जाए, इस कारण से वो चाहते हैं कि एम्स नहीं बने। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एम्स का निर्माण सौ समय नहीं हुआ है उसका प्रतिकार जितना विलम्ब हुआ अब तुरंत एम्स का निर्माण शुरू हो जाए उसके लिए हम लोग जनता के बीच में आए हुए हैं। कुमार जी को बताना चाहते हैं आप दरभंगा के जनता का जो आकांक्षा है उसके अनुरूप एम्स का निर्माण पुनः तुरंत। आज पुतला दहन करके हम लोगों ने, सभी नागरिक मिथिलांचल वासी ने यहाँ नाका नंबर 6 पर पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य है। ये गरीब गुरबा का जो हक मारी करने के लिए नीतीश कुमार जी ये हस्तांतरण कर रहे हैं, जो यहाँ गरीबों का उद्धार होता मिथिलांचल में वो आप हस्तांतरण करने जा रहे हैं। वो डॉक्टर एसोसिएशन से पैसा लेकर के आप जमीन को हस्तांतरण कर रहे हैं, ऐसे हकमारी गरीब गुरबा का आप नहीं कर सकते हैं। सभी जनता आज से लेकर के आह्वान करते हैं, जब तक एम्स का निर्माण दरभंगा में नहीं होगा तब तक जनता रोड पर रहेगी। आपका डॉक्टर चाहेगा कि दरभंगा में एम्स ना बने, एम्स एक बहाना है या जर्मनी गाड़ियों को बचाना है? दरभंगा में एम्स बनना जरूरी है, बल्कि यहाँ से ट्रांसफर होना। मैं पूछ रहा हूँ दरभंगा में जो डीएमसी की जमीन पर एम्स बन रही थी, ये एक बहाना है अतिक्रमणकारियों को बचाना है यहाँ शिफ्ट करके? ये एक बहाना है अतिक्रमणकारियों को बचाना है, इसके लिए बचाना है। बचाने क्या कहेंगे आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है, एम्स को शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए पुतला दहन जो आज हुई है उसमें मिथिला के लोग को इतना आक्रोश और ठेस पहुँचा है। जब केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार 81 एकड़ जमीन देने के बावजूद भी यहाँ राजनीतिक नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा नहीं करके व्यवधान यात्रा कर यहाँ से चले गए और एम्स यहाँ नहीं बने उसका अनाउंस करके चले गए। लेकिन केंद्र सरकार अडिग है, वही 81 एकड़ जो जमीन बिहार सरकार दी हुई है उसी 81 एकड़ पर हम लोग चाह रहे हैं कि एम्स का निर्माण जल्द से जल्द चालू हो, उसमें व्यवधान नीतीश कुमार नहीं बने।